good at your home. Today we will do the Little Girl chapter behind book 8-9 means class 9, that is taken from your behind book chapter number 3, The Little Girl. It is written by Catherine Mansfield. Ye story jo hai basically ek little girl ki hai. Younger, your mother, your father, even your parents आपको जो है डांट भी लगाते थे, ठीक है, या फिर कभी पिटाई भी करी हो, तो क्या आपको कुछ चीज लगती है कि वो सब उन्होंने आपके अच्छे के लिए किया? Perhaps you feel, maybe you feel करो, नहीं तो और बड़े हो गए तो आपको पता लगेगा. Like अभी तो हमारे पेरेंट्स गंदे लगते हैं ना, ज्यादा फोन नहीं चलाना, ज्यादा टीवी नहीं देखना, यहाँ नहीं जाना, कहाँ जा रही हो, इतने बजे तक घर आ जाओ. अभी हम ये सब, अभी हम जिस एज में हैं, आप इवन आप जिस एज में हो, ठीक है, आपको ये सब चीजें थोड़ी फाउंडेशन लगती होगी, आपको लगती होगी क्या है मम्मी पापा जब देखो टोकते रहते हैं. बट नहीं, जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको पता लगेगा कि वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं. सेम ये स्टोरी जो है लिटिल गर्ल की है, जिसका नेम है केजिया. ये जो है अपने फादर से बहुत ही ज्यादा डरती है, हद से ज्यादा. तो इस चैप्टर में ये बताएगी कि कैसे उसका डर अपने फादर के लिए लव में, प्यार में क्रिएट हो जाता है. डर प्यार में क्रिएट हो जाता है. केजिया जो है एक लिटिल गर्ल होती है, बहुत ही डरी हुई सी, टेरिफाइड, सिर्फ अपने फादर से डरती है. वो क्यों करती है, ये जब भी सो रही होती है मॉर्निंग में उसके फादर ऑफिस जाने से पहले केजिया को एक गुड मॉर्निंग विश करते हैं और एक प्यारी सी किस देकर के जाते हैं. जैसे ही उसके फादर के जाने की आवाजें आती हैं, लाइक वो जिस भी गाड़ी में जाते हैं उनके गली में से निकलने की आवाजें चली जाती हैं, तो बहुत एक रिलीफ, उसे बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ज्यादा रिलीफ की सांस लेती है वो. बिकॉज उसको लगता है कि अब जो है मैं चैन से रह सकती हूँ, रिलीफ की सांस ले सकती हूँ, बिकॉज उसके फादर जो है उसके घर से चले गए हैं. एंड इवनिंग में जब वो आते हैं तो वो बहुत ही गुस्से में होते हैं. वेयर इज माई की, ब्रिंग माई की इन माई ड्रॉइंग रूम, वेयर इज द न्यूज पेपर, हैजंट कम येट, अभी तक मेरा न्यूज पेपर नहीं आया. तो इस तरीके से वो जब उनकी लाउड वॉइस सुनती है तो वो जो है डर जाती है. उसकी मदर भी केजिया को बुलाती, केजिया यू आर अ गुड गर्ल, कम एंड पुट ऑफ योर फादर्स शूज. तो वो खड़ी होती है, देख रही होती है, आराम आराम से ड्रॉइंग रूम में जाती है. डरते हुए उसके फादर कहते हैं, हरी अप, कम टेक ऑफ माय शूज, पुट ऑफ माय शूज एंड टेक फ्रॉम देयर, मेरे शूज उतारो और ले जाओ यहाँ से. ठीक है, वो ले जाती है. उसके बाद क्या होता है, अपने फादर की वॉइस को सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं. उसके फादर कहते हैं, आज तुमने कोई शैतानी तो नहीं करी? वो कहती है, आई डोंट नो. मींस वो अपने फादर के आगे क्या करती है, ऐसे हकलाने लग जाती है. हकलाने लग जाती है मींस वो अपने फादर के आगे स्टटर करती है. स्टटर करना, एस टी यू डबल टी आर, स्टटर मींस होते हैं ना, बच्चे डरते हैं. वैसे वो नहीं हकलाती, वैसे वो क्लियर बोलती है, सिर्फ अपने फादर के आगे ही वो स्टटर करती है. तो वो उनसे डरती है, अपनी मम्मा के आगे, ग्रैनी के आगे, सबके आगे अच्छे से बोलती है. तो उसके फादर कहते हैं, इफ यू विल स्टटर लाइक दैट योर मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम ऐसे ही स्टटर करोगी तो तुम्हारी मम्मा जो है तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर उसके जाएंगी. तो कहती है, आई डोंट नो, फिर स्टटर कर जाती है. तो फिर होता क्या है, वो उसके फादर को, उसका फादर जो है उसके मदर को कहता है, अपनी मदर को कहता है, मींस केजिया की ग्रैनी को कहता है, इसे सिखाओ कुछ, समझाओ इसे थोड़ा. कुछ समझाते नहीं हो कि इसे ऐसी मरियल सी बनी रहती है. उसके फादर जो है वो ड्रिंक पी लेते हैं, मींस जो टी होती है, ड्रिंक की है वो भी, पी लेते. वो कहते हैं, कहाँ है केजिया, टेक दिस.
एंड पुट इट ऑन द टेबल केयरफुली. वो ले जाती है, जब वो उसको उनके हैंड से ऐसे ले रही होती है, उसे वो अपने फादर के हैंड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं. और जब उसके फादर यौन करते हैं, यौन करने का मतलब होता है बेटा जमाई लेते, जब करके जमाई नहीं लेते, हमारे को कितना बिग बिग लगता है, तो उसको अपने फादर का मुंह भी पूरा ऐसे दानव की तरह लगता है. वो जो है लेकर के चली जाती है. जब संडे का दिन आता है तो उसकी ग्रैनी केजिया की ग्रैनी कहती है बेटा जाओ आफ्टरनून में नीचे जाओ, अपना मम्मा पापा के साथ थोड़ा बात कर लो, बाकी दिन तो वो बिजी रहते हैं, आज तो थोड़ा बात कर लूंगी. जैसे ही वो नीचे जाती है, स्टेयर केस पे खड़ी होती है, देखती है कि मम्मा जो है ब्रीडिंग कर रही है, ठीक है, और पापा जो है वो सोफे पे लेटे हुए हैं फेस पे अपना ऐसे हैंकी रख करके, और वो वहीं पे स्टूल लेकर के ऐसे बैठ जाती है और पापा को ऐसे देखती रहती है. एकदम से फिर उसके पापा उठते कहते हैं व्हाट आर यू लुकिंग लाइक दैट, यू आर लुकिंग लाइक एन आउल, जैसे आउल घूमता है ना, तो मुझे बिल्कुल आउल की तरह लग रही हो. तो फिर होता क्या है, एक दिन ना केजिया को ना कोविड हो जाता है, तो उसको घर से बाहर नहीं जाने देते बिकॉज कोविड में आपको पता है ये इन्फेक्शन फैलता है. तो उसकी ग्रैनी कहती है केजिया को बेटा पापा का ना बर्थडे आने वाला है, तो तुम उनके लिए कुछ कुशन बना दो. तो कहती है ठीक है, तो वो जो है अपने कॉटन का क्लोथ लेती है, उसके थ्री साइड्स जो है सिल देती है. अब फोर्थ साइड में उसके अंदर फिल करने के लिए कुछ तो चाहिए. वो देखती है कि मेरी ग्रैनी जो है वो बाहर गार्डन में है, ठीक है. अब वो क्या करती है, इधर उधर जाती है, इधर देखती है भाई पेपर रखे होते हैं कुछ अच्छे से पेपर, तो क्या करती है उन पेपर को ले आती है, उनको छोटे छोटे टियर अप करके अपना पिलो कवर में फिल कर देती है और उसके फोर्थ साइड में सिल देती है. तो इवनिंग में उसके फादर आते हैं, वो कहते हैं किसी ने मेरे पेपर देखे, किसी ने मेरे पेपर देखे. तो क्या हुआ, पूरे घर में जो है इस बात की शोर मच जाता है. तो उसकी मदद पूछते हुए आते केजिया वैसे तो तुमने देखे नहीं होंगे, क्या तुमने जो है कुछ पेपर्स देखे हैं. वो बोलती है येस मदर आई हैव टेकन दोज पेपर्स एंड टॉर्न अप दैम एंड पुट इट इन टू द क्लॉथ बैग टू मेक पिलो कुशन बनाने के लिए. उसने कहा हाँ मैंने देखे हैं और मैंने जो है पापा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उनको टेयर अप करके और बैग में फिल कर दिया है और एक कुशन प्रिपेयर किया. तो उसकी मदर को भी गुस्सा, कहती चलो तुम जल्दी आओ, तो तुम नीचे आ जाओ. नीचे जाके वो उसकी मदर उसके फादर को कहती है, उसके फादर कहते डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया. अब वो कुछ बोलती नहीं है. तो उसके फादर अपनी मदर यानी कि केजे की ग्रैनी को कहते हैं कि इसको ले जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों तो पिट पिट आ जाएगी, ले जाओ इसे यहाँ से. वो उसे ले जाती है. केजे जो है अपना ऊपर रूम में जाके बैठ के रोती रहती है. थोड़ी देर बाद उसके फादर आते हैं एक स्टिक लेकर के, कहते केजिया. वो फिर रो रही होती है, वो कहती नो पापा मैंने नहीं नहीं नहीं, फिर वो स्टटर कर जाती है. तो उसके फादर कहते हैं अब आज तुमको पनिशमेंट मिलेगी कि बिना जाने तुम किसी की भी चीज को हाथ लगा देती हो. वो अपने फादर को एक्सप्लेन करना चाहती है बट वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि मैंने ये सब आपके बर्थडे के लिए किया. और उसके फादर जो है उसके छोटे छोटे से पिंक पिंक से बांह पे उसको स्टिक मार के चले जाते हैं. तो फिर उसकी ग्रैनी आती है. उसकी ग्रैनी जो है अब घर में बच्चे को पिटाई लगती है, मम्मी पापा से कौन चुप कराता है. दादी आती है ना फटाफट गले से लगा लेती है, सेम उसकी ग्रैनी आती है उसको गले से लगाती है, चुप कराती है, बेटा चुप हो जा, कोई नहीं तू सो जा, मॉर्निंग तक तू सब भूल जाएगी. बट वो दादी को कहती दादी मैं तो पापा को बता रही थी कि ये सब मैंने उनके बर्थडे के लिए किया, बट मैं उन्हें ये भी बता नहीं पाई. उसकी ग्रैनी कहती है बेटा कोई नहीं तू सो जा. वो सो तो जाती है बट नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उस चीज को बोलती नहीं है. वो जो है अपने फेंस पे खड़ी हुई होती है, ठीक है, एक फेंस होता है, आप उसे जो है रेलिंग भी बोल सकते हो, बैरियर भी बोल सकते हो फेंस को, यू कैन से रेलिंग और यू कैन से बैरियर, ये इस तरह का बना हुआ होता है. इस तरह की कुछ पेंटिंग सी बनी हुई होती है. मेरी ड्रॉइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ड्रॉइंग पे मत जाना मेरी, ठीक है. इस तरीके से कोई बैरियर सा बना होता है, वहां पे खड़ी होकर के अपने नेबर्स में देख रही होती है. उसके नेबर्स में जो एक मैकडोनल्ड्स फैमिली होती है. अब मैकडोनल्ड्स से भाई सबको याद आ गए होंगे बर्गर. तो स्टूडेंट्स ये जो है वो मैकडोनल्ड्स बर्गर वाला नहीं है, यहाँ पे उसके नेबर में एक फैमिली है
ठीक है, जो कि मैकडोनल्ड्स फैमिली है वो देखती है कि कैसे उसके मैकडोनल्ड्स अंकल जो है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे को अपने जो है शोल्डर पर भी बिठा रखा है और बाकी जो है आसपास खेल रहे हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि सारे पापा गंदे नहीं होते, वरना उसे अब तक लगता था कि सबके पापा खड़ूस होते हैं, गंदे होते हैं। तो मैकडोनल्ड्स अंकल को देख करके उसे रियलाइज होता है कि नहीं, सबके पापा तो गंदे नहीं होते। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक दिन की बात है, उसकी मदर को जो है केजीएफ की मदर को फीवर हो जाता है, तो उसकी ग्रैनी जो है उसकी मदर को हॉस्पिटल लेकर के जाती है और उनके घर में एक उनकी जो है हेल्पर होती है, कुक है वो उनकी हेल्पर, उसका नेम है एलिस। यू कैन से ये कौन है, ये कुक है, हेल्पर है उनकी, ठीक है, एलिस उसका नेम है जो कि कुक है। पूरा दिन तो केजीएफ का अच्छे से बीत जाता है, उसकी मदर जो है, ग्रैनी और मदर दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि ग्रैनी जो है उसकी मदर को हॉस्पिटल में लेकर के गई होती है, उसकी मदर की तबीयत खराब होती है। पूरा दिन केजीएफ का अच्छे से बीत जाता है एलिस के साथ। रात होती है तो एलिस कहती है केजीएफ सो जाओ, तो अब उसे याद आने लगती, कहती है मुझे तो नाइट मेयर आती है, मैं तो ग्रैनी के पास जाती थी, ग्रैनी तो है नहीं। उसे कहा कोई नहीं तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा तो है। कहती नहीं मेरे को ग्रैनी चाहिए, तो फिर वो उसको जैसे तैसे वो कहती चुप करके सो जाओ, नहीं तो शोर मत करना, चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। तो वो जैसे तैसे करके सो जाती है, ठीक है। फिर उसको वही नाइट मेयर आता है कि एक जो है रोप लेकर के उसके पास आ रहा है, और एक नाइफ लेकर के रोप लेकर के उसके पास आ रहा है, और वो फिर डर जाती है और फिर वो ग्रैनी ग्रैनी चिल्लाने लगती है। तो उसको तो उसके पापा उसके पास आते हैं, कैंडल लेकर के वहीं पे होते हैं, उसको उठाते हैं और अपने बेडरूम में लेकर के जाते हैं, ठीक है, केजिया को उसे अपने साथ सुलाते हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं बेटा सो जा। वो जो है अपने पापा को बिल्कुल शॉर्ट पकड़ के उनकी हक करके सो जाती है, और उसे फील होता है कि अब जो है मुझे कोई डर नहीं लगेगा। यूजुअली होता क्या है, बच्चों के सोने के बाद पेरेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है उसके फादर जो है कीजिए कि बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो उनको नींद आ गई, बट केजिया अभी भी जाग रही थी। वो ये सब सोचे जा रही है कि नहीं, अब उसको फील हो रहा है कि मेरे पापा भी जो है मेरी ग्रैनी की तरह और मेरी मम्मा की तरह बहुत अच्छे हैं। वो तो मैकडोनल्ड्स अंकल जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बस मेरे पापा जो है थोड़ा ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं। अब उसे याद आता है कि पापा ने जो मेरे को रूलर मारा था क्योंकि मैंने जो है गलती करी थी, मैंने जो है उनके जो पेपर से वो टियर अप कर दिए थे, इसलिए उन्होंने जो है मुझे रूलर मारा था, ठीक है। तो यही होता है, उसे उसके पापा कहते हैं, तो वो ना साइड चेंज कर दिया, उसके पापा कहते हैं हाँ अनदर नाइट मेयर। वो कहती है नो, मेरे को ना आपकी ना मेरा हेड जो है वो आपके इधर सिर्फ चेस्ट पे था, तो मुझे जो है आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, ठीक है, जोर जोर से हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तो तब उसे फील होता है कि मेरे फादर भी मेरी मम्मा और ग्रैनी की तरह बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है स्टोरी है लिटिल गर्ल की, कि कैसे उसका टेरिफाइंग जो उसका डर होता है वो कैसे अपने पापा के लिए एक काइंडनेस, एक दया, आप बोल सकते हो लव में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल। ओके, नाउ वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 3। आई विल रीड 1 by 1 पैराग्राफ, ओके, देन आई विल एक्सप्लेन यू, इवन यू कैन ओपन योर बुक। द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर एंड अवॉइडेड। फिगर टू बी फियर मीन्स अ पर्सन टू बी फियर, अ फिगर टू बी फियर का मतलब होता है अ पर्सन जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले वो अपने
बेटी यानी कि केजिया के रूम में जाते हैं, उसे एक कैजुअल नॉर्मल किस देते हैं और वो रिस्पॉन्ड करती है अपने फादर को, गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। रिलीफ होता है चैन की सांस। देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ड्रॉइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। कैरिज होता है बेटा, यहाँ पे कैरिज यूज किया गया है घोड़ा गाड़ी के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड स्टोरी है, दैट्स व्हाई देयर यूज कैरिज। जैसे ही उसको सुनाई देता है कि कैरिज की आवाज जो है वो कम होती जा रही है, विंटर होता है बिल्कुल कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसे बहुत ही रिलीफ चैन की सांस मिलती है कि चलो शुक्र है मेरे पापा अब घर से गए, ऑफिस के लिए गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड शी एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब इवनिंग में वो घर आते हैं, वो स्टेयर केस के पास खड़ी होती है, आप देख भी सकते हो। इवनिंग में जब वो घर आते हैं, उसके फादर वो जो है स्टेयर केस के पास खड़ी होती है, ठीक है, और वो जो है उनकी लाउड वॉइस सुनती है, ब्रिंग माई टी टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, ओके। वो कहता है मेरी टी लेकर के आओ, अभी तक पेपर नहीं आया, ठीक है तुम। वो अपनी मदर को कहता है जो कीजिए की ग्रहणी है, जाओ देख करके आओ मेरे पेपर वहां रखे हैं, तो मुझे पेपर ला के दो और मेरे स्लीपर्स भी ला करके दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ओ फादर्स बुक्स। केजिया की मदर कहती है, केजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स शूज, नीचे आओ और अपने फादर्स के शूज रिमूव करो, ओके। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन का मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली, आराम आराम से बस स्टेयर से नीचे उतरती हुई आती है, ओके। अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर। हॉल को क्रॉस करते हुए ऐसे ड्रॉइंग रूम का आराम से डोर ओपन कर दिया है। वेल केजिया हरी अप, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे। अब वो रास्ते में देखती है कि भाई मेरे फादर ने जो है स्पेक्टेकल्स होते हैं, स्पेक्स चश्मे जैसे आप बोलते हैं, यहाँ रखे हुए होते हैं ना, ऐसे लगाए हुए होते हैं और उसे ऐसे देख रहे होते हैं, तो उसे ये चीज भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगती है, ठीक है। वेल केजिया हरी अप एंड फुल ऑफ दीज बुक्स, वो कहते हैं वेल केजिया हरी अप जल्दी आओ एंड फुल ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स को निकालो एंड टेक देम आउटसाइड और इसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, जैसे घर में पापा आते हैं पूछते हैं ना कि आपने कोई आप आज आप गुड गर्ल रहे हो, आज आप गुड बॉय रहे हो, कोई शैतानी तो नहीं करी। तो वो कहती है आई डोंट नो फादर, वो ऐसा इसलिए कहती है कभी मैं तो बोल दू हाँ गुड बॉय सॉरी गुड गर्ल रही हूँ और मम्मा मेरी कंप्लेन कर दे, ठीक है। वो कहता है यू डोंट नो, If you are stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इसी तरह stutter करोगी तो तुम्हारी मदर जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी भी ऐसा stutter नहीं करती थी, किसी के भी साथ नहीं करती, only father से। क्यों? बिकॉज वो अपने फादर से डरती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी, रेस्ट मीन्स होता है अनहैप्पी। वो कहते हैं व्हाट्स द मैटर, उसके फादर कहते हैं क्या मैटर है, हमें क्या बात है, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम ऐसी सैड सैड सी ऐसी अनहैप्पी सी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड होता है कमिट टू सुसाइड। वो कहता है अपनी मदर को जो एक बीजेपी ग्रहणी है, तुमने इसे कुछ पढ़ाया लिखाया ना, तुमने इसे कुछ पढ़ाया होता, कुछ जीना सिखाया होता तुमने इसे, बिल्कुल ऐसी मरियल सी शक्ल बना रखी है जैसे अभी सुसाइड करेगी। हेयर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली, हो गया केजिया कैरी माई टीकअप, मेरे टीकअप लेकर के जाओ एंड बैक टू द टेबल केयरफुली।
टेबल में जा करके ध्यान से रख दो. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन. यॉन का मतलब होता है जमाई लेना. वाई ए डब्ल्यू एन जी. ओके, इसका मतलब होता है जमाई लेना, जब हम उबासी लेते हैं. तो वो ले रही है हाथ से उसको, अपने पापा के हैंड्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, नेक बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है. जब वो यॉन कर रहे तो माउथ उसका जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जैन. जब वो उनके बारे में अकेले में सोचती है ना, फादर के बारे में, वो बड़े दानव जैसे राक्षसों के नहीं होते, दानवों के होते, बड़े बड़े हाथ पैर नेक, तो उसे वो लगते हैं. फोर्थ पैराग्राफ इज, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर क्या करती है, उसे केजिया को जो है ड्रॉइंग रूम में भेज देती है कि तुम जाओ और जो है अपने मदर और फादर से जो है थोड़ी बात कर लो. बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड, वो हमेशा देखती है कि मदर रीडिंग, मदर जो है पढ़ रही है, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. फादर आराम से सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. मदर इज रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. फादर जो है आराम से सोफे के ऊपर लेटे हुए हैं. बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस. और फेस पे अपना हैंडकरचीफ, ऐसे हैंकी होता है ना, ऐसे हम खोल के रख देते हैं, ठीक है, अब वो ऐसे रख के सो रहे हैं, ठीक है. एंड हिज फीट ऑन ऑफ द बेस्ट कुशंस, वो देख रही है कि उनके पैर जो है उनके कुशन के ऊपर है. साउंडली एंड स्नोरिंग, वो आराम से सो रहे हैं और हल्के हल्के स्नोरिंग कर रहे हैं. शी सेट ऑन अ स्टूल, स्टूल पे बैठ जाती है ग्रेवली, वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप, और उन्हें देखती रहती है जब तक वो जागते नहीं है, ठीक है. एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर डाउनस्टेयर्स. ओके, दिया तो अपना ऐसे स्ट्रेच करते हैं और ऐसे देखते हैं, वो कहते हैं डाउनस्टेयर के दिया, भाई घूरो मत तुम मुझे, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, आओ तुम जो है लिटिल ब्राउन ऑल की तरह लग रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन क्या होता है, केजिया को कॉल्ड होता है और उसे जो है घर में बंद करके रखा होता है ताकि वो कहीं बाहर ना जाए, इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले, ठीक है. उसने कहा तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिंक कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और वो सजेस्ट करती है कि तुम जो है अपने फादर के लिए एक जो है ब्यूटीफुल येलो सिल्क के पीस से जो है एक कुशन बनाओ, ठीक है, एक तुम्हें कुशन बना के गिफ्ट दो. स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे. आई होप आपको ये लिटिल गर्ल स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, आई विल टेक पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आई विल ब्रिंग पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर, द लिटिल गर्ल. सो नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरी. आई होप आपको ये अच्छी भी लगी होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.